लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे, जबकि भूपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम व सोने के चलते नहीं पहुंच सके। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों ने जब महेंद्र प्रताप से पूछा कि आपकी उम्मीदवारी को लेकर विरोध हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कहीं कोई विरोध नहीं है, सिर्फ मीडिया ही विरोध पैदा कर रही है, जबकि करण दलाल भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कोई कहीं भी कोई नुकसान नहीं, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और जो 10 लाख पार की बात कर रहे हैं, उसका मैंने जवाब तो दे दिया। पहले तो उनसे ये पूछो, जब 2019 में जिस तरह से माहौल बनाया गया था राष्ट्रवाद के नाम से, पुलवामा के नाम से, उसके बावजूद भी उन्हें पूछो कि क्या उस समय 10 लाख वोट उनकी पड़ी थी? जब 2019 में 10 लाख वोट उनके आई नहीं, आज वो कहते हैं कि 10 लाख के अंतर से हम जीतेंगे। 10 लाख में कहीं जो है ना, कहीं शुरू पूरी बुरी तरह से इनका जो है ना सुपड़ा साफ हो जाएगा। कोई पार्टी में किसी तरह की कोई फूट नहीं है, ये फूट कोई आपके कहने से फूट नहीं होती। फूट हमारा है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर टिक नहीं मार के उनते, एक उसको टिकट दे दो उसकी काट दो, उसकी टिकट दे दो उसकी टिकट काट दो, पूरा तसल्ली से पूरा मंथन करके टिकट दिया जाता है, सबको अधिकार दिया जाता है, सबको बोलने का अधिकार दिया जाता है। कई चैनल से टिकट पर मंथन होता है, फिर फैसला होता है, और नाराजगी छोटी मोटी होती है, और कोई नाराजगी ऐसी नहीं है। और अभी अभी देख लेना, करण दलाल जी भी साथ होंगे। तो इसका जवाब इसको करण दलाल जी से पूछो। आज की रैली में क्या करण दलाल होंगे, क्योंकि पूरे 9 विधानसभाओं की रैली बुलाई गई है? अभी करण दलाल जी आएंगे, अभी तो इलेक्शन अभी तो शुरुआत ही हो रही है, अभी इंतजार करो, आ जाएंगे, एक दो दिन में आ जाएंगे। अभी तो स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना, आज तो अभी नामांकन कर रहे हैं, 6 तारीख तक तो नामांकन है, उसके बाद में बड़े 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 जो हमारे सीनियर जो नेता हैं सेंट्रल लीडर्स, उनके साथ में विचार विमर्श करके प्रोग्राम तय किए जाएंगे, और कैंडिडेट से भी सलाह मशवरा किया जाएगा कि उनको किस किस नेता की यहाँ पर आवश्यकता है। आपके पास सवाए दलाल साहब के और कुछ है नहीं कोई? अरे कह दिया एक बार कि भाई दलाल साहब का जो एक दो दिन में हमारे साथ रहेंगे, दलाल साहब कोई अलग नहीं है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि ये सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं भी पार्टी में कोई विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद से भाजपा द्वारा 10 लाख वोटों से जीत का दावा खोखला साबित होगा और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप की जीत दर्ज होगी। नॉमिनेशन में भूपेंद्र हुड्डा जितेंद्र हुड्डा दूरी बनाए हुए हैं, आपसे आपके नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे दिलीप हुड्डा ने, कोई नहीं है, सारे पहुंचे, यहां तो 5 आदमी आने थे, सारे आई वो भी आ जाएगी, वो खिलाफत कर रहे हैं आप? नहीं कोई खिलाफत नहीं, खिलाफत दिख रही है? नो नॉट एट ऑल, नहीं खुद करा रहे हो, क्या बात है, कोई नहीं कर रहे हैं, उनके बयान है, नहीं है बयान, बयान नहीं है, नहीं है, मुझे दिखाई बयान, उन्होंने पंचायत लिख के दिखाई, अरे लिख के दिखाई, आप चौधरी महेंद्र प्रताप के नॉमिनेशन में पहुंचे पलवल के नेता हर्ष कुमार ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 6 लाख वोटों से जीत होगी और पलवल के हतीन होडल से भरपूर वोट कांग्रेस उम्मीदवार को मिलेंगे। आपको बता दें कि हर्ष कुमार जहां पूर्व विधायक रह चुके हैं, वहीं जेजेपी पार्टी में प्रत्याशी महासचिव भी रह चुके हैं और कल ही उन्होंने जेजेपी से अपना इस्तीफा दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को खुला समर्थन देने की घोषणा की थी। जी को होटल हथीन से, हाँ जी बहुत अच्छा रहेगा जी, हथीन और होटल से काफी ताकत से आगे जाएंगे, अच्छी लीड लेके बढ़ जाएंगे। 3 विधानसभा है पलवल की जी, दो में तो आपका वर्चस्व है, हमने भी देखा है आपके हर वर्ग के मुस्लिम समुदाय से लेके हर वर्ग के वोट बैंक पर आपका जो है ताकत दिखाई देती है जी। नहीं अच्छी दौलत पूरे पलवल जिले से अच्छी लीड लेते हैं। कैसे लगता है ये चुनाव में इस बार क्या रिजल्ट आने वाला ये है? चुनाव लोगों की जनभावना के अनुसार कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है, जहाँ जनभावना के अनुसार कैंडिडेट मिलता है वहाँ इलेक्शन में किसी चीज की कमी नहीं है। कितने वोटों से जीत हो जाएगी? 6 लाख। चलो ठीक है। नीरज शर्मा को, आफताब अहमद को रोका गया गेट पे, काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें अंदर आने दिया गया।
क्या कहना चाहेंगे? वो तो देखो प्रशासन भेदभाव तो करता ही है, पार्शियलिटी तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ होती ही है, बाकी इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है हमारा, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। कितने कितने वोटों से?